वक्त कम मुकाबला सख्त, जश्न आज़ादी में सिर्फ 9 घंटे बाकी। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी वतन की मोहब्बत से सरशार। बाजारों मार्केटों में खरीदारों का रश, सब चूड़ियों बैंड्स टोपियों और कपड़ों की मांग में भी इजाफा। हमारी आन शान जान सब पाकिस्तान पर कुर्बान, 76वां यौम आज़ादी कल मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। रात 12 बजे ग्रेटर इकबाल पार्क में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। फायरवर्क्स 10 से 15 मिनट के दौरानिए पर मुश्तमिल होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का यौम आज़ादी के हवाले से पैगाम, कहा कल के जश्न के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हजूरी बाग में मरकजी तकरीब होगी। निश्तर कॉम्प्लेक्स में मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। 76 यौम आज़ादी मुबारक, आए सब मिलकर इस अजीम दिन को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएं। लाहौर इंतजामिया ने मुख्तलिफ इवेंट्स इस यौम आज़ादी पर मुनक्किद किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 13 और 14 की शब को आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। हमारा ये मेन इवेंट ग्रेटर इकबाल पार्क में होगा। आप आएँ, अपनी फैमिलीज के साथ आएँ और ज़रूर इसमें आप शामिल हों। खोखर पैलेस में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब, सदर नून लीग लाहौर सैफल मलूक खोखर ने केक काटा और मिठाइयाँ तकसीम की। तकरीब में सदर यूथ विंग मलिक फैसल अयूब और कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद। अनारकली में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात जारी। सदर रहमत मार्केट हाजी नईम खान की जानिब से केक काटा गया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, अशरफ भट्टी समेत भी दीगर भी हमरा। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल ने खयाबान दफ्तर में जश्न आज़ादी केक काटा। तकरीब में मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास समेत दीगर की शिरकत। साबिक एमएनए मुबशर इकबाल ने कहा, जब भी इक्तदार में आए हैं अवाम की खिदमत की है। आईजी का जश्न आज़ादी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का हुक्म। आरपीओस डीपीओस को खुद फील्ड में निकलकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने की हिदायत। असलहा की नुमाइश करने वालों को पाबंदी से लासिल करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। यौम आज़ादी पर सिर्फ कौमी परचम लगाने और लहराने की इजाज़त होगी। सीसीपीओ बिलाल सदीक मियाना का यौम आज़ादी के हवाले से पैगाम, कहा हवाई फायरिंग और होड़लरबाजी रोकने के लिए खसूसी टीमें तश्कील हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। यौम आज़ादी पर वन व्हीलर्स को पकड़ने का मिशन, मजमू तौर पर 55 स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड्स तैयार। होल्डरबाजों को काबू करने के लिए 11 मकामात पर जेल वैन्स भी मौजूद होंगी। 6 ब्रेकडाउन, 25 फोकलिफ्टर्स और 3000 अहलकार तैनात होंगे। यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 45 के तहत मंजूरी दे दी। कमी का इतलाक उम्र कैद के मुजरिमों पर होगा। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम फायदा नहीं उठा सकेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस की हजूरी बाग आमद, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान की सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग, सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा अलर्ट होकर ड्यूटी करें, मशकूक अशिया और अफराद पर कड़ी नजर रखें। यौम आज़ादी पर पतंग उड़ाने का मंसूबा नाकाम। शफीकाबाद और नवाकोट पुलिस की कार्रवाइयां, 3 पतंग फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपये मालियत की पतंगें और केमिकल डोर बरामद। मुकदमा दर्ज, पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। वन व्हीलर और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। डिफेंस बी पुलिस ने खतरनाक करतब दिखाने वाले 4 वन व्हीलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान में फरहान, कामरान, कैसर और शाहिद शामिल। एसपी कैंट की पुलिस की टीम को शाबाश। जश्न आज़ादी के रंग लाहौर रंग के संग, बच्चे बड़े आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं। लाहौर रंग को अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो भेजें। 14 अगस्त के रंग हम लाहौरियों को दिखाएंगे। राबता नंबर आपकी स्क्रीन पर।
سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے گرام وزیر اعظم مقرر صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا نئے خواہشات کا اظہار، کہا امید ہے نگرام وزیر اعظم اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی عہدہ برا ہوں گے، انتخابات کا شفاف اور آزادانہ انعقاد ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اہلیہ اور خاتون اول کی طبیعت بدستور ناساز، نصرت شہباز گزشتہ 4 روز سے ہسپتال میں زیر علاج، وزیر اعظم آئندہ چند روز میں علاج کے لیے اہلیہ کے ساتھ لندن روانہ ہوں گے۔ چکن کی خریداری مسلسل جیب پر بھاری، برائلر 10 روپے کم ہو کر بھی سفید پوش طبقے کی قوت خرید سے باہر، مرغی کا گوشت 567 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، انڈوں کے نرخ بدستور 287 روپے فی درجن پر برقرار۔ ریکارڈ توڑ مہنگائی، ہر طرف ایک ہی دہائی، سبزی اور پھلوں کی قیمت میں کمی نہ آ سکی، ادرک 1100 روپے سے نیچے نہ سکا، لہسن 560، میتھی 450 اور مٹر کے لیے 4 لاڈ نوٹ درکار، پھل خریدنا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا۔ ٹریفک پولیس میں ترقیوں کا سفر جاری، جونیئر ٹریفک وارڈنز کے لیے خوشخبری، 83 جونیئر ٹریفک وارڈنز پولیس ٹریننگ اسکول فاروق آباد میں زیر تربیت ہیں، کورس مکمل کرنے کے بعد ٹریفک وارڈنز کے عہدے پر ترقی حاصل کریں گے۔ پاک افغان کرکٹ سیریز، قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کل پی سی بی کو رپورٹ کریں گے، پاکستان میں موجود کھلاڑی 14 اگست سے 3 روزہ کیمپ میں شرکت کریں گے، قومی اسکواڈ کے کھلاڑی 17 اگست کو سری لنکا روانہ ہوں گے۔ شہر میں مونسون کے 5ویں اسپیل کی انٹری، بارشوں کا سلسلہ 16 اگست تک جاری رہے گا، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ اور دل فریب انداز اور سریلی آواز کی ملکہ پاپ کوئین نازیہ حسن کو بچھڑے 23 برس بیت گئے، ان کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں، نازیہ حسن کو پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔